तो मैंने धीरे धीरे स्टार्टिंग से ही ऑडियोज मैंने डेली 8 to 10 ऑडियोज में डेली सुनता था और नोट्स बनाता था, फिर उनको वही रिवाइज भी करता था मॉर्निंग में उठ के। और मैंने शेड्यूल थोड़ा चेंज किया क्योंकि मैं जॉब में था, तो मैंने सोचा कि मुझे मॉर्निंग में पढ़ना पड़ेगा और मुझे आके इवनिंग में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि दोपहर में पूरा मुझे टाइम जॉब में देना नहीं मिल पाता। जी जी। तो मैंने बस वही किया कि आता मैं सुबह सुबह उठता सबसे पहले और रिवाइज करता एंड देन नोट्स प्रिपेयर करते, जब भी टाइम मिलता बीच में मैं क्लासेस ले लेता ऑडियोज ले लेता। और कभी कभी जर्नी आता, जैसे मेरा फील्ड वर्क होता था तो मुझे जर्नी बहुत करनी पड़ती थी, आई हैव टू ट्रैवल अराउंड 100 किलोमीटर्स पर डे। सो जब मैं ट्रैवल करता था तो आई यूज्ड टू हैड अ हेडफोन इन वन ऑफ माय ईयर और मैं ऑडियो सुनता था, तो ऑडियो से आई वो रिवीजन हो जाता था उस चीज से। So much for being with us today for this short interview. Yes, ma'am. बताइए मयूर कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी कि ये फीलिंग कैसी लग रही है नेट क्लियर करके? I am feeling very good, ma'am, क्योंकि basically I am not from a background of English literature. I am an English background student, so it was a little bit difficult for me, you know, to pop in English literature because it is a lot deep, बहुत deep भी है and it is a lot fast also. उसको पढ़ना काफी डिफिकल्ट था, बट आपका कोर्स जो था वो इट वॉज वेरी गुड, इट वॉज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड इट रियली हेल्प मी अ लॉट इन कम्प्लीटिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। Wow, I'm very blessed कि आपको course की course से help मिला। But I would want to know आपसे एक चीज, अपने डिटेल में तो preparation की बात करेंगे, but engineering से आपने shift क्यों लिया? मैम जैसे मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से हूँ एंड you know the prospects of having a job in automobile engineering in India is very less, aur main hamesha se manufacturing technology mein jana chahta tha, but maine try bhi kiya tha, I appeared for GRE, I appeared for IELTS and I qualified the both the exams, but still mera Germany mein admission nahi hua for MS. so one of my friends suggested me to read some novels and try to, and even my brother, wo bhi MA background se hi hai, usne bhi English literature mein MA. Ji, ji. So he just suggested me in the time of COVID, in COVID 2019, because main free bhi tha, koi job mein bhi chal nahi rahi thi, so I thought of appearing for MA, aur appear kiya maine, and I got a gold medal from my university too. Aur uske baad, wow, very nice. Aap kahan se hai? Which city are you from? I am from Banswara, Rajasthan. Acha, okay. And आपने ग्रेजुएशन कौन से कॉलेज से किया है? मैंने गुरु गोविंद यूनिवर्सिटी से की है, जो जिन्होंने अभी सेट ऑर्गेनाइज कराया था एग्जाम। जी जी जी। उससे मैंने, वहां से आपने किया है? ओके। एंड मास्टर्स भी मैंने वहीं से किया। मैंने बैचलर्स तो RTU से किया, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से, जयपुर से। ओके ओके। और जो मास्टर्स किया वो मैंने यहीं से GGTU से किया है, जो गुरु गोविंद ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो है। ग्रेट। सो आपको मतलब आप हमेशा से आप जहाँ पे राजस्थान में अभी है वहां से ही आपने पूरा पढ़ाई किया है? आपने कहीं घर पे बैठ के आपने पूरा ऑनलाइन कोचिंग लिया था? यस। एंड कब से आपने पढ़ना चालू किया? मैम मैंने सबसे पहले ज्वाइन किया था इन 2020, जो मैंने आपका कोर्स एनरोल किया था फॉर 6 months। उसके बाद फिर मैं इंश्योरेंस सर्वेयर के लिए जॉब भी कर रहा था फॉर इंश्योरेंस कंपनीज। So, उसके साथ करते करते फर्स्ट अटेम्प्ट जो दिया मेरा, तो मेरा पेपर वन काफी स्ट्रॉन्ग था, तो आई गॉट 98 समथिंग परसेंटाइल इन पेपर वन, बट आई जस्ट गॉट 16 परसेंटाइल इन पेपर टू, क्योंकि जब मैं अटेम्प्ट करते, जब मैंने अपियर किया आई वाज नो आइडिया, जस्ट मैं जब बैठा था 2 घंटे पेपर में तो मुझे पता ही नहीं पड़ रहा था हो क्या रहा है एग्जैक्टली। और फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मैंने सोचा कि थोड़े वीडियोस में देखूं जाके ऑनलाइन, एंड आई केम अक्रॉस ए वीडियो और आपका वीडियो मुझे काफी अच्छा लगा। और जब मैंने आपका यूट्यूब पे जब वेबसाइट आपकी चेक करी, वेबसाइट चेक करने के बाद भी इट वाज मतलब आपने पूरा एक्सप्रेस कर रखा है, हर तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल दे रखी है कि क्या क्या आपने कवर कर रखा है। तो पूरा मतलब यू मान लो कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड इन योर सिलेबस, बस आपको हार्डवर्क करके मेहनत करके वो कंप्लीट करना है। कोई भी रास्ते पे अगर याद करना है, कुछ भी करना है, तो वो मुश्किल तो है बट डायरेक्शन मिलने से थोड़ी आसानी हो जाती है। बिल्कुल मैम। एंड मैम इतना अच्छा कॉम्प्रिहेंसिवली आपने दे रखा है उस कोर्स को, कि मैंने फर्स्ट टाइम जो कोर्स लिया था वीडियो कोर्सेज नहीं थे एज यू नो, तो मैंने उस टाइम अटेम्प्ट करके दिया। जब सेकंड अटेम्प्ट मैंने नेट का लिया तब मैंने थोड़ा बेटर स्कोर किया था, बट फिर वो भी उस टाइम भी मुझे हो नहीं पाया था,
फिर जब मैंने जो जॉब के साथ कंटिन्यू करने की कोशिश की तो मेरा फील्ड वर्क था, और फील्ड वर्क में मैं बहुत हैक्टिकली, मेरे को टाइम निकालना बहुत मुश्किल पड़ रहा था, तो आई हैड टू चूज बिटवीन वन थिंग, अगर मुझे जॉब करना है तो जॉब करना है, अदरवाइज आई हैव टू प्रिपेयर, तो प्रिपरेशन करनी है। फिर मैंने जॉब राइट, छोड़ दी लास्ट 6 मंथ से, मैंने सोचा ओके, अब नेट क्लियर करना है तो आपको जॉब छोड़नी ही पड़ेगी, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। फिर हाँ मैंने हाँ तरीके से वापिस पढ़ना शुरू किया, मैंने खुद ने नोट्स बनाए आपके से पूरा चेक करके, ऑडियोज को चेक किया, और ऑडियो से नोट्स बनाना थोड़ा स्टार्टिंग में मुश्किल पड़ा था, बट धीरे 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 मैं फैमिली होते गया एंड बाद में बहुत ही इजी हो गया वो चीज करना। और मैं आप क्या यकीन बात नहीं करोगे, आई नेवर कंप्लीटेड ऑल द मॉड्यूल्स फ्रॉम योर कोर्स, मैंने आई थिंक आई हैव स्किप्ड 4 मॉड्यूल्स फ्रॉम योर कोर्स एंड स्टिल आई हैव क्रैक नेट। तो अगर कोई स्टूडेंट एस्पिरेंट है जो आपका कोर्स कम्प्लीटली फॉलो कर लेता है, तो आई डोंट थिंक कुछ और पढ़ने की जरूरत है, कोई दूसरी बुक की जरूरत है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, ही विल इजीली क्रैक JRF फ्रॉम योर। सही बात है। आपने कौन से 4 मॉड्यूल्स नहीं करे थे कवर? I left language pedagogy, I left Indian writing in English, I left literary terms and I left American literature. एक सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूंगी कि आपने जो प्रेपरेशन स्टार्ट करी, तो क्योंकि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे और आपने इंग्लिश लिया, तो सबसे पहले जब आपने यूजीसी नेट इंग्लिश का सिलेबस देखा तो आपके दिमाग में क्या आया कि उस टाइम अब फर्स्ट स्टेप क्या लेना है हमें? मैम सबसे पहले तो सिलेबस देख के मुझे यही लगा था कि अपन को एक बार स्टडी जो करनी है, वी हैव टू स्टडी इट कॉम्प्रिहेंसिवली, अगर हम ऊपर से पढ़ के जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, सो इट विल जी टेक टाइम। मेरे को सबसे पहले मुझे ये क्लियर हो गया था कि इट विल टेक टाइम, इट विल टेक एटलीस्ट 6 to 7 months फॉर मी टू कवर ऑल द सब्जेक्ट, ऑल द टॉपिक्स। जी तो जी मैंने यही डिसाइड किया था कि सबसे पहले मैं आराम से धीरे धीरे करके हर चीज को मैं तो पढ़ते जाऊंगा। एंड जब मैंने आपका कोर्स मुझे मॉड्यूल चेक किया तो उसमें मुझे ये भी पता चला कि क्रिटिसिज्म जो पढ़ना है वो स्टार्टिंग में नहीं पढ़ना है, लिटरेरी थ्योरी जो पढ़नी है वो स्टार्टिंग में नहीं पढ़नी है, क्योंकि एक बार जब तक आप ऑथर्स के थ्रू और एजेस के थ्रू अगर आप उनको कनेक्ट नहीं कर पाओगे, उनको तरीके से पढ़ नहीं पाओगे, तो फिर आप समझ ही नहीं पाओगे क्रिटिसिज्म बेसिकली है क्या। एग्जैक्टली, वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, यस, मतलब तो कि वर्डवर्थ के क्रिटिसिज्म को पढ़ेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा उसने प्लेटो के बारे में ये क्यों बोला है या उसने शेक्सपियर के बारे में ये क्यों बोला है। यस मैम, तो मैंने धीरे धीरे स्टार्टिंग से ही ऑडियोज, मैंने डेली 8 to 10 ऑडियोज में डेली सुनता था और नोट्स बनाता था, फिर उनको वही रिवाइज भी करता था मॉर्निंग में उठ के। और मैंने मैंने शेड्यूल थोड़ा चेंज किया क्योंकि मैं जॉब में था, तो मैंने सोचा कि मुझे मॉर्निंग में पढ़ना पड़ेगा और मुझे आके इवनिंग में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दोपहर में पूरा मुझे टाइम जॉब में देना नहीं पड़ता मिल था। पाएगा। जी, तो मैंने बस वही किया कि आता मैं सुबह सुबह उठता सबसे पहले और रिवाइज करता एंड देन नोट्स प्रिपेयर करते, जब भी टाइम मिलता बीच में मैं क्लासेस ले लेता, ऑडियोज ले लेता, और तो कभी कभी जर्नी जाता, जैसे मेरा फील्ड वर्क होता था तो मुझे जर्नी बहुत करनी पड़ती थी, आई हैव टू ट्रैवल अराउंड 100 किलोमीटर्स पर डे। सो जब भी मैं बाप रे, ट्रैवल करता था तो आई यूज टू हैड हेडफोन इन वन ऑफ माई ईयर और मैं ऑडियो सुनता था, तो ऑडियो सुन के आई वो रिविजन हो जाता था उस चीज से। करते करते मैं धीरे धीरे रोमांटिक एज तक पहुंचा, प्री रोमांटिक तक, उसके बाद मैंने क्रिटिसिज्म स्टार्ट किया पढ़ना, फिर मैं उस ओके, चीज को कनेक्ट कर पाया धीरे धीरे कि व्हाट प्लेटो इज सेइंग, व्हाट सोफोक्लीज इज सेइंग, लॉन्गिनस क्या बोल रहा है, क्योंकि धीरे 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 ही वो चीज होनी थी, वो जल्दबाजी में अगर नहीं होती तो बिल्कुल भी नहीं होती, नहीं और होती। राइट राइट, और इसलिए ये एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी आपने अभी जो मेंशन करी है ना कि आप रोज सुबह उठ के रिवीजन करते थे। ये बात मैं कितनी बार अपने वीडियोस में और सब जगह स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि रिवीजन बहुत ही क्रूशियल है। कई बार स्टूडेंट सिर्फ ऑडियोस पढ़ते जाते हैं या हमारे वीडियो लेक्चर्स देखते रहते हैं, बट रिवीजन अगर नहीं कर रहे तो आप वो चीज अपने दिमाग में रिटेन ही नहीं कर पाओगे। आपकी कॉपी को याद होता जाएगा बट आपको कुछ याद नहीं होगा, यस मैम, वो एग्जैक्टली मैम, वाली चीज है। मेरे फ्रेंड्स भी यही बोलते थे कि तेरा कोर्स इतना वार्ड है, यू वास्ते तुमको रटना पड़ेगा। मेरा रटने से भी यू कैन नॉट जस्ट मग अप 900 ऑथर्स, उनके वर्क्स वो रट नहीं सकते, हमको समझना पड़ेगा कि वो ऐसा लिख क्यों रहे हैं, वो चीजें ऐसा बता क्यों रहे हैं, तो वो चीजें आपको धीरे धीरे बार बार पढ़ने से ही आएगी। और एवरी टाइम वी रिवाइज वी कम टू नो वन वन मोर थिंग अबाउट सम ऑथर्स, अबाउट हिज राइटिंग्स, तो हमें नई चीज हर राइट, रिविजन पे पता पड़ती रहती है, तो रिवीजन पढ़ती रहती जितना है, अपन करते हैं उससे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है। एब्सोल्युटली, आई टोटली टोटली गेट व्हाट यू आर सेइंग। इसमें एक चीज मुझे और बताइए कि जैसे आपने अपना डेली रूटीन बताया कि आप सुबह पढ़ते थे, फिर आप दिन भर में आपको जब भी समय मिल रहा है ट्रैवल कर रहे हैं तब आप लेक्चर सुन लेते थे, एंड रात में आके आप वापस से लेक्चर सुन के नोट्स बनाते थे। यस मैम, तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपने और भी कोई मटेरियल रेफर किया, जैसे कोई और बुक्स या कहीं पे आपको लगा कि कुछ और रिक्वायरमेंट है कि सिर्फ लेक्चर्स के थ्रू आपने पूरा पढ़ाई करा है? एट फर्स्ट मैम आई थॉट ऑफ बाइंग सम बुक्स, मैंने विलियम जे लॉन्ग की बुक ली थी एंड दैट टू यू सजेस्टेड इन वन ऑफ योर वीडियो, और हाँ पी के नायर की मैंने एक बुक ली थी,
बट मैम वो बुक्स पढ़ के मुझे मतलब, हाँ वो बस वो ऊपर से पढ़ा रहा है वो, मतलब बेसिकली आपको डीप में कुछ नहीं बताते वो, जैसे जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ सम ऑथर्स और सम एज। अगर आपको रिलेट एग्जैक्टली करना है किसी चीज को तो यू हैव टू हैव अ डीप स्टडी ऑफ, डीप नॉलेज ऑफ दैट टॉपिक। तो अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल यू टेक, जैसे आपने विलियम शेक्सपियर की ऑडियोज प्रोवाइड की थी एंड दे आर अराउंड 12 to 13 ऑडियोज, इन 13 ऑडियोज और वो भी 32 मिनट्स, 32, 33, 20 मिनट्स, तो हाँ इट इज इन डिटेल। सो अगर अपन डिटेल में पढ़ के ही उसको अपन कर पाएंगे, तो मैंने उसी को धीरे धीरे पढ़ा और आपस में कनेक्ट करते गया। फिर मैंने बुक्स छोड़ दी क्योंकि मुझे पता पड़ गया था कि बुक्स मैं बड़ी भली पढ़ लूंगा उसको, मैं वापस रिवाइज भी कर लूंगा, 2 बार पढ़ लूंगा, लेकिन वो मुझे वही चीज बता पाएगी जो उसमें बस है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं बता पाएगी। नहीं सो बता पाई, तो मैंने राइट, बुक्स फिर छोड़ दी, फिर आई मतलब टोटली मैंने फिर ऑडियो से ही प्रिपेयर किया है। ऑडियो से ही आपने किया, चलिए बहुत ही बढ़िया। एंड आई एम सो हैप्पी कि एक मतलब मेरा जब मैंने कोर्स बनाया था सो मेरा भी कुछ इसी तरह का जर्नी रहा था कि मुझे लिटरेचर से बहुत प्यार था, और जब मैंने मास्टर्स में पढ़ा लिटरेचर को तो मेरे को हमेशा से एक चीज थी कि यार ये चीज मैं किसी को भी इस लेवल पे बता पाऊं कि किसी के पास कुछ भी बेस नहीं हो उसको भी पूरा समझ में आए। मतलब जीरो से हमें स्टार्ट करना है एंड धीरे धीरे उस स्टूडेंट को लिटरेचर की नॉलेज देते हुए जाना है। एंड आई एम सो ग्लैड कि मेरे कोर्स से पढ़ के आपको ये नहीं लगा कि नहीं मेरे को समझ नहीं आ पा रहा है, कोई डॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, मैंने कुछ बैकग्राउंड में मैंने कभी ग्रेजुएशन नहीं किया इंग्लिश में, तो देर इज समथिंग विच आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एंड अदर पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड गेट इट। तो ये आपको अगर प्रॉब्लम नहीं आई है तो आई एम फीलिंग नहीं वेरी मैम, ये वेरी मैम हैप्पी। ये प्रॉब्लम किसी को भी नहीं आएगी अगर कोई थोरली पढ़ेगा। जैसे आप जब भी पढ़ाते हो उस ऑडियोज के अंदर, आपने स्टार्टिंग में हर एज का इंट्रोडक्शन दिया है और उस जी इंट्रोडक्शन में आपने मेंटेन पूरा मेंशन किया हुआ है कि वो ऑथर्स किस बेस पे आगे लिखने वाले हैं। अगर आप इस चीज को तरीके से पढ़ लेते हो तो आपको बेसिकली ना क्रोनोलॉजी में दिक्कत आने वाली, क्रोनोलॉजी में भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि अपन लाइन सर पढ़ रहे हो हर चीज को, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात बिल्कुल भी नहीं आएगी। क्रोनोलॉजी से मुझे याद है ये स्टूडेंट्स को बहुत डाउट रहता है कि क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस हम कैसे हैंडल करें, और क्योंकि आपने जो प्रेपरेशन करी है आपने क्रोनोलॉजी से पढ़ा है तो आप मुझे ये चीज बताएं कि आपको कहीं पे भी दिक्कत आई क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में? नहीं मैम, क्रोनोलॉजी में ज्यादा दिक्कत तो बिल्कुल नहीं आई, बस वो जैसे कोई कोई बिल्कुल ही अलग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, जैसे बिल्कुल माइनर वर्क की डेट्स पूछ लेते हैं, वो चलो हाँ अपन सोच सकते हैं कि हाँ कोई कर पाएगा कोई नहीं कर पाएगा। अदरवाइज जो मेजर वर्क जैसे इस बार भी जो क्वेश्चन में आए थे, तो अगर आप बेसिकली लाइन सर पढ़ रहे हो बिल्कुल क्रोनोलॉजी के बेस पे, तो आपको एज याद करने की जरूरत और ईयर याद करने की जरूरत नहीं है, आप नहीं आराम है, राइट, से, क्योंकि विजुअल मेमोरी जो अपने पास होती है वो अपने को बिल्कुल ही क्लियरली बता देती है कि पहले कौन था बाद में कौन था, तो दिक्कत नहीं आती। एग्जैक्टली, कंफ्यूज और मेन बात वो है कि जब अपन इस तरीके से पढ़ते हैं तो कंफ्यूज नहीं होते हैं, एज और अगर डेट याद नहीं होते, करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अगर अपन इस तरीके से पढ़ेंगे तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, और वो चीज अपन को कंफ्यूज क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में बहुत हेल्प करती है वहां पर। बहुत हेल्प करता है। प्लस ये भी रहता है कि डेट्स हम कितनी याद करेंगे, जैसे आपने अभी बोला कि भाई 900,000 वर्क्स हैं, सबकी डेट्स कैसे याद होगी, और डेट्स सब ऐसी है 1792, 1763, अब ये डेट्स आप कैसे कितनी सारी याद कर लोगे, सही बात वो है वाली मैम, चीज है। यस तो मैम, अगर क्रोनोलॉजी से पढ़ा जाता है तो वैसे ही अगर चार अलग एजेस से राइटर्स पे क्वेश्चन है तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हो, क्योंकि आपको पता रहता है कि भाई एनलाइटनमेंट एज के बाद ही विक्टोरियन है, विक्टोरियन के बाद ही मॉडर्न है, तो अगर यस कोई मैम, वर्क मॉडर्न में है तो वो बाद में ही आएगा उसका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, वो शेक्सपियर से पहले कैसे आ जाएगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेट। एक चीज मुझे इसमें और बताइए कि आपने जैसे बताया आपने चार मॉड्यूल्स छोड़े थे, तो जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने था और ये चार मॉड्यूल्स को अगर हम साइड कर लें कि इनमें से जो क्वेश्चन आए वो तो आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाए होंगे, बट अदरवाइज जो आपने कोर्स के ऑडियो लेक्चर से पढ़ा उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत आई जहां पे आपको लगा कि नहीं नहीं ये तो मैम, पढ़ने के बाद भी कहीं प्रेपरेशन में कमी रह गई है? नहीं मैम ऐसा तो मुझे कहीं नहीं लगा, बस मुझे कोई कोई क्वेश्चंस थे, जैसे जॉन लिली का एक क्वेश्चन आया था मैं उसको भूल गया था, इसलिए कंफ्यूज हो गया था रॉबर्ट ग्रीन और जॉन लिली में, इसलिए मैं रॉबर्ट ग्रीन करके आ गया था उसे जॉन लिली की जगह। अदरवाइज मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई अटेम्प्ट करने में क्वेश्चंस, आई वॉज श्योर कि हाँ मतलब मैंने अच्छा अटेम्प्ट किया इस बार तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरा। बस मैम पेपर 1 थोड़ा सा वीक रह गया था, अदरवाइज आई वुड हैव क्रैक जीआरएफ, अगर बस मेरा पेपर 1 में खाली 20 क्वेश्चंस ही सही हो पाए थे, इसलिए ओ, मेरा आउट ऑफ 50 तो यस आपका पेपर पेपर 2 का परसेंटाइल क्या था? 2 96 पॉइंट समथिंग, 96 अच्छा, पॉइंट एंड पेपर 1 का परसेंटाइल थोड़ा पेपर कम रह वन गया? का मेरा 68 पॉइंट समथिंग था, उसकी वजह से ओ, और आपका पेपर 1 उल्टा स्ट्रॉन्ग था, आप बोल स्ट्रॉन्ग रहे थे था। यस मैम, 2020 में। यस जी, मैम, तो पेपर 1 में क्या आपको लगा दिक्कत इस बार? मैम पेपर 1 में इस बार
जैसे इन्होंने सजेस्ट कर रखा है वेबसाइट पे हर जगह कि आपका हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस आएंगे आएंगे, हाँ ये चीज इस बार पेपर वन में नहीं हुई थी। इस बार जी पेपर वन जी में बहुत ही अजीब से, मतलब कहीं से 7 आ गए, कहीं से 8 आ गए, कहीं से 9 आ गए, तो मतलब क्वेश्चंस भी थोड़े से ट्रिकी थे। बस बात वो थी, और मेरी स्टडी थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं थी इस बार पेपर वन की, इसलिए मतलब पेपर वन पेपर आपने खुद अपने बुक्स वगैरह से ही यस प्रिपेयर कराया ओनली था? वन बुक केवीएस मदान, और मैंने किसी और केवीएस मदान टीचर की नहीं बुक से पढ़ी। आपने प्रिपेयर किया था, तो वहां पे आपको कहीं लगा कि क्योंकि इस बार यूनिट हर यूनिट से सेम सिमिलर नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं आए, तो अगर कोई यूनिट हमने छोड़ दिए या उसको ढंग से प्रिपेयर नहीं किया तो वहां से ज्यादा क्वेश्चंस आने की वजह से यस कट यस ऑफ ड्रॉप हो मैम, गई? यस मैम, हाँ, ये वाली चीज मैंने मेंशन भी करी थी स्टूडेंट्स को कि इस बार से हम अपन पेपर वन में ये गलती नहीं कर सकते कि पेपर वन में हम कोई भी यूनिट प्रैक्टिकल पोर्शन मैथमेटिकल रीजनिंग लॉजिकल कुछ भी छोड़ नहीं सकते, नहीं सब कुछ सकते करना बहुत मैंडेटरी हो गया, ये यस लेवल मैम। इन्होंने बढ़ा दिया। एंड स्पेशली मैम रीजनिंग और जो मैथमेटिक्स है उसको थोड़ा सा इन्होंने लेवल अप किया है। वो पहले थोड़ा सा हाँ इजी था, अब इस बार थोड़ा सा लेवल अप किया है। बिकॉज मैंने जो लास्ट दो अटेम्प्ट दिए थे उन दोनों अटेम्प्ट्स में कभी भी डीआई जो भी था वो प्रॉफिट एंड लॉस एंड कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आया था, बट दिस टाइम और लास्ट टाइम दोनों टाइम पे कंपाउंड इंटरेस्ट बेस आया था, जो डीआई आया था। आया था, राइट राइट। ये चीज तो ये लोग हर बार, मतलब आप देखेंगे कि आप जैसे 2020 में आपने डिसाइड किया था प्रिपेयर, तो आपने उस टाइम से क्वेश्चन पेपर्स फॉलो करे होंगे, तो हर बार इनका कोई ना कोई स्ट्रैटेजिकल चेंज रहता ही है। यस मैम हम ये चीज बेस रख के, जैसे आई रिमेम्बर 2 साल पहले तक यूरोपियन लिटरेचर पे बहुत फोकस करते थे ये लोग, यस इस बार मैम, क्वेश्चंस यूरोपियन से क्वेश्चन ही नहीं थे ही नहीं थे। ज्यादा, इस बार इन्होंने इंडियन से बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं, इन्होंने अमेरिकन से हरमन मेलविल वगैरह पे एक दो यस क्वेश्चंस मैम, थे, बट यूरोपियन इन्होंने पूरा एक्सक्लूड कर दिया। एक टाइम था 2018 में जब पोस्ट कोलोनियल लिटरेचर में बहुत क्वेश्चंस आया यस करते थे, मैम, बिल्कुल जब मैंने प्रिपेयर करके एग्जाम दिया था उस टाइम पे पूरा पेपर में कम से कम 10-15 क्वेश्चंस पोस्ट कोलोनियल लिटरेचर से थे। आजकल इन्होंने पोस्ट कोलोनियल लिटरेचर से देना बंद कर दिया है। यस तो मैम, वही है कि मैं जो बोलती हूँ कि आएगा कहीं से भी आ सकता है, इट यस इज मैम, वेरी बस बात डिफिकल्ट टू गेट कि हाँ ये इस बार इन्होंने किया है, अमेरिकन से क्वेश्चन आया तो अगले साल भी अमेरिकन से ही आएगा। यस मैम। मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें इन्होंने पूरा एंशियंट इंग्लिश से हिस्ट्री से भी पूछा था, जो चौसर के टाइम से भी पूछा था इन्होंने, स्पेंसर के टाइम से भी पूछा था, बट अब उन्होंने लास्ट टू अटेम्प्ट से उन दोनों से पूछना बिल्कुल बंद कर दिया है। चौसर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, स्पेंसर से भी नहीं आते हैं, नहीं आते, वो बट चेंज दैट डजंट मीन कि अगले अटेम्प्ट में अगले नहीं नहीं आएगा। आएगा बिल्कुल मैम। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि अगले में आ गया तो हम बोलेंगे अरे ये तो कोर्स बदल दिया, सिलेबस बदल दिया इन्होंने, यस मैम, जिसमें सिलेबस नहीं बदला है उनके पास भी लिमिटेशन है। 100 क्वेश्चंस वो हर राइटर से कैसे दे सकते हैं, यस उन्हें मैम, कोई ना यस कोई राइटर को हर साल वो स्किप करेंगे ही करेंगे, तो वो चीज है। एक मुझे ये बताइए, जैसे कई स्टूडेंट्स मुझसे ये जरूर पूछते हैं कि जो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है जिसमें यूनिट 1 पोएट्री, यूनिट 2 ड्रामा, सो वो सिलेबस और जो हम लोग ऑनलाइन कोर्स में पढ़ाते हैं उसमें आपको कहीं पे भी ऐसा दिक्कत आया कि कोई पोर्शन हमने छोड़ा है या कोई ऐसी नहीं चीज जो मैम, आपको ऐसा लगी? कुछ भी नहीं है। बस वो जो सिलेबस प्रोवाइड करते हैं वो मतलब उन्होंने मतलब कोई सोच के हाथ, मतलब सर धड़ की बात नहीं की उन्होंने, सीधे सीधे मतलब कुछ भी उन्होंने दे दिया, बस पोएट्री दे दी। पोएट्री बहुत ज्यादा है, ड्रामा भी बहुत ज्यादा है, और आपके अंदर हर चीज मतलब प्रॉपरली मेंशनड है कि, और मतलब आपको बाहर इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपके पास एक मटेरियल प्रॉपर जो है वो मिल जाता है, और उसको सीधे सीधे अगर आप कंटिन्यू करते हो पढ़ते पढ़ते तो आप उसको बिल्कुल टोटल कवर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ऑथर्स और भी हैं, ऐसा बात नहीं है कि और ऑथर्स नहीं है, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रॉम नेट पॉइंट ऑफ व्यू, तो जी हमको उसे जी जबरदस्ती पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बुक्स तो है जो आपको बहुत सारे ऑथर्स दे देगी, बट वही बात है, एक स्मार्ट वर्क होता है और एक हार्ड वर्क होता है। अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे तो आप जल्दी क्रैक करोगे, हार्ड वर्क करोगे तो फिर आपको टाइम लगेगा बहुत। सो मयूर एक चीज आप मुझे थोड़ा सा और बताएं कि जैसे कुछ भी ऐसा था प्रेपरेशन में जहां पे आपको रिग्रेट फील हुआ कि इस चीज पे मैं ज्यादा ध्यान दे देता या ये चीज को मैं और बेटर कर सकता था? रिवीजन मैम, रिवीजन रिवीजन जितना ज्यादा करो उतना ज्यादा अच्छा है। जैसे जैसे बोलते हैं कई लोग वीडियोस में ही बोलते हैं कि 3 बार करो 4 बार करो, ऐसा नहीं है। जितनी बार करोगे उतना ज्यादा आप उस चीज को स्ट्रांग होल्ड ले लोगे, और स्ट्रांग होल्ड लेना, और जितना वास्ट इतना है ये कोर्स कि आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा। अगर अभी मैं 2 महीने छोड़ के बैठ जाऊं तो मैं वापिस 0 पे आ जाऊंगा, एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली, तो कंटिन्यूअस रिवीजन, रिविजन बहुत कंटिन्यूस इंपॉर्टेंट है। रिवीजन जरूरी है। और उसी चीज को टाइम देने के लिए अब मॉर्निंग मुझे मिलता था खाली 2.5 आवर्स टू रिवीजन, तो रिवीजन का टाइम कम ही रखना पड़ रहा था क्योंकि मुझे नोट्स बनाने थे। और अपना जैसे बोलते हैं कि सभी लोग बताते हैं कि मैंने इस रास्ते से नेट क्लियर किया है, कोई बोलता है मैंने इस चीज को यूज करके नेट क्लियर किया है, बट बेसिकली अगर आपको नेट क्लियर करना है तो आपको अपना खुद का एक पाथ क्रिएट करना पड़ेगा, करना उसी पड़ेगा से ही आप नेट क्लियर कर पाओगे। किसी को कॉपी करके अपन नहीं कर सकते, क्योंकि हम खुद जानते हैं कि हम क्या कैपेबल है,
कोई और हमको हमारे दिमाग को रीड नहीं कर सकता। अपने आप को अगर जज करना है तो खाली हम ही है जो ऑनेस्टली जज कर सकते हैं एक अपने आप को, तो उसी एंड हिसाब सबका से बिल्कुल लर्निंग स्टाइल भी तो डिफरेंट है ना, डिफरेंट होता ये है। भी सबका, जैसे वही बात है कि आज अगर मुझे वेट लॉस करना है और आपको वेट लॉस करना है, हम दोनों की बॉडीज अलग रिएक्ट बिल्कुल करेगी। मैम, आपको हो सकता है 1500 कैलोरीज खानी हो, मुझे हो सकता है 1200 खानी हो, आपको हो सकता है वर्कआउट 1.5 घंटा करना हो, मुझे हो सकता है 2.5 घंटा करना पड़े। बिल्कुल मैम, तो जिस तरह से हर की बॉडी अलग रिएक्ट करती है, वैसे ही हर का दिमाग अलग है। तो सबको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका अपना पाथ क्या है, आप किस तरह से समझ पा रहे हैं बिल्कुल मैम। वो मेथडोलॉजी। बिल्कुल। और एक चीज मुझे आप और बताएं कि जैसे आपने जब कोर्स में आप थे और आप पढ़ रहे थे, तो उस टाइम पे आपने मॉक टेस्ट वगैरह भी कंटिन्यू दिए थे, पास्ट ईयर पेपर्स को भी रेफर किया? यस मैम, मैंने किया था। मैंने पास्ट ईयर पेपर्स की एक बुक भी मंगाई थी सबसे स्टार्टिंग में, जब मैंने प्रिपेयर करना शुरू किया था टू गेट अ ग्रास्प ऑफ क्या पूछ रहे हैं वो क्या नहीं पूछ रहे। उसके बाद आपने एक वीडियो में मेंशन किया था कि आपने मेंशन भी कर रखा है सब कुछ अपनी वेबसाइट पे, प्रीवियस से पेपर जी आ रहे हैं, मैंने वहां से भी फिर टैली करे। उसका प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपको ये चीज अच्छी तरह बता देते हैं कि क्या पूछा जा रहा है और क्या पूछा जा सकता है आगे। तो अगर ये चीज आपके दिमाग में थोड़ा सा है तो आप उस चीज को उस हिसाब से पढ़ पाओगे, क्योंकि पढ़ने का पर्सपेक्टिव बहुत सारे तरीके से होता है। जैसे आप एक नोवेल पढ़ते हो तो आप या तो उसकी समरी पढ़ के या तो उसका नॉर्मली पढ़ के आप एक ऐसे स्टोरी उसको याद रख सकते हो, या तो फिर जी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर उसके कैरेक्टर्स जो स्पेशली उसने कुछ बोली बात बोली है जो प्रॉपर तरीके से आप उसको अगर एनालाइज करके पढ़ोगे तो वो चीज प्रीवियस पेपर्स में बहुत यूजफुल हो जाती है। और असल यूजफुल हो पेपर्स जाए। के जो क्वेश्चन में जो मेनली पूछा जाता है वो आपको एक आइडिया दे देता है कि आगे क्या असर्शन का रिजन का क्वेश्चन आने वाला है, तो वो भी एक हेल्प मिलती है उस चीज से। तो प्रीवियस ईयर तो सो मैटर ट्रू, बिल्कुल करता है मैम। मैटर करता है, राइट राइट। बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ये सोचते हैं कि ठीक है प्रीवियस ईयर पेपर हम नहीं करते, वहां से आपको ये समझ आ जाता है कि आपको किस तरह से कोई भी वर्क या कोई भी राइटर को देखना है। माइनर बिल्कुल राइटर है तो उस पे किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, मेजर राइटर है तो उससे किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल मैम, आपने 83 मॉक टेस्ट दे रखे हैं। मैंने स्टार्टिंग जो मैंने सेकेंड अटेम्प्ट दिया था तब मैंने अराउंड एंड अराउंड 21 या 23 मॉक टेस्ट अपीयर किए थे, बट उसके बाद जब मैं दिस अटेम्प्ट ये अटेम्प्ट देने जब गया था तब मैंने 70 अबाउट मॉक टेस्ट दिए थे। मतलब माय गॉड, हर वंडरफुल। सैटरडे हर फ्राइडे सैटरडे में मॉक टेस्ट देता था, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट दिए हम ये नहीं पता कर सकते कि हम किस लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं, वो जानना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि और उस चीज से मेनली हमें ये पता पड़ जाता है कि हम किस डिपार्टमेंट में थोड़ा सा वीक है, किस टॉपिक में थोड़ा सा वीक है, हमने किस उस चीज को किस परसेप्शन से मिस कर दिया। अगर वो चीज अपन को जो चीज अपन को मिस कर दी पता पड़ जाए तो वो सबसे बड़ी हेल्प है एक तरह से। बिल्कुल एग्जैक्टली वही ना, हमें पता चल जाए गलतियां कहाँ कर रहे हैं हम, क्योंकि जो मैम, अच्छा कर रहे हैं वो तो हम एग्जाम में भी अच्छा करेंगे, जो बिल्कुल मैम, गलत कर रहे हैं अगर वो मॉक टेस्ट में हमने पकड़ लिया तो हम एग्जाम में वो गलती वापस नहीं करेंगे। वापस उसके नहीं लिए हम और करेंगे। खुद को प्रिपेयर कर लेंगे कि अच्छा इस क्वेश्चन को अगली बार हमें किस तरह से डील करना। यस मैम, आई एम सो हैप्पी आपने 70 मॉक टेस्ट दिए, इट्स अ वंडरफुल थिंग। मतलब मेरे को लगता है मेरी मेहनत सफल हो गई सारे मॉक टेस्ट डालने की, अगर आपने इतने बिल्कुल सारे मैम। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट और मैम हमें करे। कहीं जाना नहीं पड़ा, आपकी वेबसाइट पे एक ही जगह सारे टेस्ट मिल गए, तो इट वाज रियली गुड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये सब इसीलिए है कि आप जैसे स्टूडेंट जो इतना डेडिकेशन से पढ़ रहे हैं, आपने जैसे बताया कि आप इतने आवर्स पढ़ते थे, तो इस आपकी जर्नी को थोड़ा अगर हमने स्मूथ बना दिया तो दैट इज द रोल दैट वी प्लेड इन योर जर्नी। बिकॉज आखिर तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेहनत तो स्टूडेंट की है, हम एज अ टीचर गाइड कर सकते हैं, बट उस रास्ते पे चलना तो एक स्टूडेंट को पड़ता है, और उसकी जो मेहनत है उसके पीछे हमारी मेहनत कुछ भी नहीं है। नहीं आपने जो इतने घंटे ऐसा बैठ के पढ़ा है वो सुने हैं, आपने ट्रैवल करते हुए ऑडियोज को सुना है, आपने मॉक टेस्ट लगाए हर सैटरडे हर फ्राइडे को, दैट इज अ बिग थिंग। एंड उसके लिए नेट इन इटसेल्फ इज अ बिग रिवॉर्ड फॉर यू कि नहीं आपकी मेहनत पूरी रंग लाई है। यस सो आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू एंड आई एम सो हैप्पी कि इंडिया को ऐसे टीचर्स मिलेंगे जो इंग्लिश को इतने मन से पसंद करने लग गए हैं, लिटरेचर को जीना शुरू कर दिया है, और जो लिटरेचर को लेके कितना सुंदर पर्सपेक्टिव रखते हैं। थैंक यू सो मच मयूर, थैंक यू मैम। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन फ्रॉम द इंटायर टीम ऑफ अर्पिताकरवा.com फॉर मेकिंग ऑल ऑफ अस सो प्राउड एंड फॉर गिविंग दिस टाइम फॉर द इंटरव्यू वेयर योर क्वेश्चंस एंड द आंसर्स दैट यू गेव विल डेफिनेटली हेल्प सो मेनी अदर स्टूडेंट्स इन देयर प्रिपरेशन जर्नी। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। इन अपने पेरेंट्स को, अपने घर में जितने भी लोग हैं उनको भी मेरी तरफ से कंग्रेचुलेट करिएगा, इट इज अ बिल्कुल प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ देम। बिल्कुल मैम, थैंक चलिए थैंक यू सो मच, यू मैम, टेक थैंक यू। केयर।